ही रहनुमा मरियम औरंगजेब ने बनी गाला को फनी गाला करार दे दिया। बोली, फनी गाला में तमाम जोकर और पुतली तमाशा करने वाले जमा हैं। फनी गाला से ही नैब को कंट्रोल किया जाता है। ना अहल और सेलेक्टेड वजीर आजम के पास अपोजिशन को गिरफ्तार करने के अलावा और कुछ नहीं है। जो सर उठाता है, सवाल करता है, जेल में डाल दिया जाता है। सियासी इंतकाम के नाम पर होने वाले एहतसाब में लीगी रहनुमाओं पर एक रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। काम आता है फनी गाला से। ये बनी गाला नहीं है, ये फनी गाला है, जहाँ तमाम जोकर, तमाम तमाशा करने वाले, तमाम पुतली तमाशा करने वाले सब वहाँ बैठे हुए हैं। ये फनी गाला से हुक्म आता है। हमें पता है कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि फनी गाला से हुक्म आया है। हमें पता है कि ये नालायक और ना अहल है और इनके पास सियासी इंतकाम के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि फनी गाला से हुक्म आया है। और अपोजिशन को जेलों में बंद कर दो। जो सियासी इंतकाम एहतसाब के नाम पर हो रहा है, उसकी साजिश बेनकाब हो गई अदालत में, क्योंकि सिर्फ शरीफ नाम के साथ ये सियासी इंतकाम हो रहा है। कहीं आपको भी नैब ना पकड़ ले। और नैब के पास एक रुपए की करप्शन, चाहे वो साद रफीक हो, चाहे वो सलमान रफीक हो, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हो। और आज जो मरियम नवाज का जुडिशियल हुआ है, जो झूठा एहतसाब का ढिंडोरा पीटा, कंटेनर से लेकर पिछले सवा साल तक एक रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी।